डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकाणी, इंस्ट्रक्टर आईटी अजमेर। आज आपको ऑनलाइन मिनी ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उसके ऊपर अपन जो ऑर्थोग्राफी की प्रॉब्लम आती है, देखो फर्स्ट ईयर का जितना भी अपना इंजीनियरिंग का जो ग्रुप है आईटी का, उसमें सब में ऑर्थोग्राफी की या आइसोमेट्रिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसको अपन ने इससे पहले नो प्रॉब्लम्स मैंने भी यूट्यूब पर अपलोड करी है। आज अपन 10वीं प्रॉब्लम देखेंगे। इससे पहले मैंने आईटीआई एकेडमी जो चैनल बना रखा है, YouTube पे चैनल बना रखा आईटीआई एकेडमी के नाम से, तो आप क्योंकि जो इजी प्रॉब्लम्स है मैंने इससे पहले आपको बता रखी है, तो लगभग नो प्रॉब्लम्स इससे पहले मैंने आपको आईटीआई एकेडमी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, आप उसपे जाके देखें। आज थोड़ा जो मतलब आपने समझे कि आईटीआई लेवल का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है वो अपन डिस्कस करेंगे। आपको ये शेयर हो रहा होगा, दिख रहा होगा, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम आपको 83 नंबर पे दिख रहा है, ये प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अब इतना बढ़िया प्रॉब्लम है, देखो इसको बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये अपन देखेंगे। तो इससे पहले की जो अपन थोड़ा जो इजी प्रॉब्लम है वो देखने के लिए आप आईटी एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसको आप डिस्कस करके उसको देखें। और आज जो अपन प्रॉब्लम लेंगे इसमें देखो क्या क्या चीजें आ रही है, सर्कुलर पार्ट आ रहा है, इसमें कन्फ्यूज कहाँ होता है वो मैं बताऊंगा आपको। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कन्फ्यूज होता है, वो कन्फ्यूज नहीं हो उसके लिए मैं चीज बताऊंगा, लोग को कन्फ्यूज होता है। और आज अपन क्या क्या देखेंगे, जैसे अपन जो ड्राइंग लेंगे उसमें क्या क्या चीजें अपन ध्यान रखेंगे, बनाने में क्या क्या ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, ये जो व्यू है, ये कहलाता है आपका पिक्टोरियल या आइसोमेट्रिक व्यू। ऑब्जेक्ट में अपना जो क्वेश्चन आएगा, ड्रो प्लान एलिवेशन एंड साइड व्यू, प्लान एलिवेशन एंड साइड व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आज की जो प्रॉब्लम है मैं अभी आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दे रहा हूँ, इस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है और क्या चीज व्यू हो सकती है और क्या नहीं व्यू हो सकती है। अब देखो इसमें यहाँ तो अपने फर्स्ट एंगल प्रॉब्लम फ्रॉम गिवन एरो मार्क एक्स की तरफ से आपको एलिवेशन लेते हुए, कई बार ये एरो मार्क दिया हुआ आता है, कई बार नहीं दिया हुआ आता है, तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि अपने किधर से ज्यादा ज्यादा जो चीजें अपने को व्यू दिखते हैं उसको अपने फ्रंट मान ले और बाकी दूसरी साइड जो दिखती है उसको अपन साइड मान ले। तो यहाँ अपने को दिया हुआ है तो अपने फ्रंट एक्स की तरफ से दिया हुआ है तो अपने एक्स की तरफ से फ्रंट व्यू इसका लेते हुए अपन ड्राइंग बनाएंगे, फ्रंट व्यू आपको एक्स की तरफ से लेना है। अब इसमें अपने को सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो ये जो व्यू है ये 3D व्यू कहलाता है, ये आपका आइसोमेट्रिक या पिक्टोरियल व्यू कहलाता है। इसको देख करके अपने को क्या क्या जो मैंने स्टेप डाले देखो करने के, एलिवेशन फ्रॉम गिवन, तो सबसे पहले तो एलिवेशन की तरफ से लेना वो अपने को दिया हुआ है। फिर अपने को किसमें बनाना है, फर्स्ट एंगल में बनाना है। अब फर्स्ट एंगल में इसको बनाना है तो फर्स्ट एंगल का जो बनाने का तरीका वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या आपको बनाते टाइम में ध्यान रखें वो चीज बता रहा हूँ मैं। जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल के अंदर आपको प्लान एलिवेशन साइड व्यू का मैंने बताया था कि फर्स्ट एंगल में सारे काम उल्टा होता है। जब सारे काम उल्टा होता है तो टॉप व्यू ऊपर से देखते हैं बनेगा कहाँ, नीचे। बस इतना सा ध्यान रखो फर्स्ट एंगल में सारा वर्क उल्टा होता है। जब सारा वर्क उल्टा होता है तो फर्स्ट एंगल में आपका प्लान ऊपर से देखा कहाँ बना, नीचे बना, किसके नीचे बनेगा, हमेशा एलिवेशन के नीचे बनेगा। यानी कि फर्स्ट एंगल के अंदर एलिवेशन ऊपर और प्लान नीचे बनेगा, ये आप हमेशा और हमेशा याद रखें। इसके बाद अपने साइड व्यू लेंगे तो साइड व्यू जिधर से देखेंगे उसके विपरीत बनेगा। देखो सबका अपना अपना याद करने का तरीका होता है, मेरा जो याद करने का तरीका आप अपने मेरी तरह से सीखें, तो साइड व्यू जिधर से देखेंगे उसके विपरीत बनेगा। साइड व्यू मैं इसमें किधर से देख रहा हूँ, साइड व्यू देखो मेरे को ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है, जब मैं इसको फ्रंट ये ले रहा हूँ, फ्रंट में एक्स की तरफ से ले रहा हूँ, तो साइड व्यू देखने में किधर आया, लेफ्ट में आया। लेफ्ट में यानी कि बाई ओर में आकर के लेफ्ट साइड से आकर के मैंने साइड व्यू देखा, लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट से देखूंगा और कहाँ बनाऊंगा, राइट में। अब साइड व्यू बनता किसके बराबर में, हमेशा और हमेशा साइड व्यू एलिवेशन के बराबर में बनता है। इसका मतलब है आपका साइड व्यू जो लेफ्ट साइड व्यू है वो लेफ्ट में नहीं बन करके राइट में बनेगा, किसके, एलिवेशन के। तो ये लेफ्ट साइड व्यू ये आपका यहाँ बनेगा। तो यहाँ अपनी जो पोजिशन है, अब अपने को क्या करना होता है कि अपने को ड्राइंग शीट के उसका लेआउट करना होता है कि मैं ड्राइंग को कहाँ बनाऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम से जो अपने एग्जाम में पेपर आता है उसमें 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो अपन उसको डिसाइड करें कि इसको अपन किस जगह बनाएं कि अपने पास में जगह स्पेयर बचे। तो इस जो इसमें दिख रहा है कि एलिवेशन ही आएगा, प्लान ही आएगा, लेफ्ट साइड में ही आएगा, तो मैंने इसको जो है लेफ्ट कॉर्नर में ले लिया और लेफ्ट कॉर्नर में लेकर के मैंने इसको बनाऊंगा ताकि ये स्पेस आपके पास स्पेयर रहेगा, ताकि यहाँ इस स्पेस में आप चाहें तो अपने जो फर्स्ट एंगल का सिंबल बना सकते हैं, जो सिंबल मैंने यहाँ बनाया वो लास्ट में आपको यहाँ बना सकते हैं कि ये अपन जो बनाया किसके अंदर बनाया, फर्स्ट एंगल बनाया।
फर्स्ट इंग्री का सिंबल मैंने बताया था आपको, जैसे आपके अपने जो फ्रस्टम ऑफ कोन है, फ्रस्टम ऑफ कोन को छोटी साइड लेफ्ट साइड में रखते हुए अपने बनाया, उसका फ्रंट बनाया, तो ये चीज बनती है। उसके बाद में जिधर से देखा अपने लेफ्ट साइड से देखा तो आपको छोटा सर्किल भी दिखेगा और बड़ा सर्किल भी दिखेगा, छोटा और बड़ा सर्किल देखा लेफ्ट से और बनाया राइट में, तो ये जो सिंबल बना है आपका फर्स्ट एंगल बना, ये लास्ट बनाएगी आपका यहाँ जगह रहेगी। अपन ने सबसे पहले डिसाइड किया कि एलिवेशन प्लान और साइड की जगह अपने डिसाइड की। अब अपना दूसरा टारगेट होता है कि अपन ने रेफरेंस लाइन लेते हैं, मान लिया कि ये आपका वाई वाई रेफरेंस लाइन ले लिया अपने और ये आपने एक्स एक्स रेफरेंस लाइन ले लिया, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये दो अपने रेफरेंस लाइन ले ली। अब इस रेफरेंस लाइन लेने के बाद में इस रेफरेंस लाइन एक्स एक्स डैश से ऊपर 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे दो लाइनें ले ली, और जो वाई वाई रेफरेंस लाइन था वर्टिकल जो रेफरेंस लाइन है उससे भी 10 mm राइट में और 10 mm लेफ्ट में अपन ने अपने दो लाइनें रेफरेंस लाइनें और दी थी। अब आपका जो एलिवेशन बनेगा, आपका एलिवेशन यहाँ बनेगा, यहाँ प्लान बनेगा और यहाँ साइड बनेगा, ये अपन ने मार्किंग कर दिया, अपन ने मार्किंग कर दिया। इसके बाद अपना टारगेट होता है एलिवेशन प्लान और साइड व्यू का जो साइज है वो साइज क्या क्या बनेगा, तो ये एक हल्के से अपना बॉक्स बना ले। और सबसे पहला काम होता है ड्रॉइंग को देख करके उसकी साइज निकालना, ड्रॉइंग को देख करके इसकी साइज निकालें। तो देखो मैं जो ये प्रॉब्लम बनी हुई है इसको दिखाता हूँ, इसमें ये है क्या, ये प्रॉब्लम ऐसा है जैसे ये एक आपका प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका एक चीज रखी हुई है ना, और ये प्लेटफॉर्म आपका यहाँ से कटा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म आपका यहाँ से कटा हुआ है, ये कहाँ से कटा हुआ है, इस जगह से ये कट करके ये हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक सिलेंड्रिकल पार्ट आपका रखा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ, थोड़ा बड़ा सा सिलेंड्रिकल पार्ट है इसमें देखने के हिसाब से, और यहाँ से बाद में ये चीज पेपर में डाली, थोड़ा आप समझे मैं क्या बताना चाहूँ। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, पोजीशन ये है, ये देख लेना हमेशा इसकी जो पोजीशन है वो ये वाली पोजीशन है, अर्थात आपका ये जो पार्ट है सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है इस बॉटम को टच नहीं कर रहा है, यहाँ आप देखना इसको जब अपन ऊपर से आइसोमेट्रिकली देख रहे हैं, इसका मतलब जब अपन 30 डिग्री पे देख रहे हैं, जो 30 डिग्री पे आप जैसे ये मैं इसको नीचे रखता हूँ और आप इसको 30 डिग्री पे देखते हैं, तो ये वाली जो लाइन है आप इसकी ये इसके इस जगह टच होती हुई प्रतीत हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कि ये जैसे चीज है मैंने ये लगा रखा इसके, और आप इसको जब 30 डिग्री ऊपर से देख रहे हैं थोड़ा तिरछा से देख रहे हैं, तो ये वाला जो कोना नीचे का ये यहाँ तिरछा से यहाँ टच होते हुए दिख रहा है, वास्तव में ये टच नहीं है, वास्तव में इसकी जो पोजीशन है इसकी पोजीशन आपके ये हैंगिंग करते हुए ये देखें आप ये पोजीशन है। कई बार ये स्टूडेंट ये गलती करता है कि ये जैसे यहाँ सर्किल का जो आउटर पार्ट है यहाँ टच होता हुआ दिख रहा है, वास्तव में ये यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसकी साइज कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 150, कितना दे रखा है 150, लंबाई कितनी होगी 150, इस 150 लंबाई में ये पूरी चीज आ रही है, लंबाई निकाल ली अपने, फिर लेते हैं अपने इसकी चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये पता पड़ रहा है, लेकिन और बाकी ये तिरछा सा पता नहीं चलेगा, तो अपने कहाँ है पीछे की तरफ आए यहाँ देखते हैं, तो ये 16 है फिर 26 है और 28 है, इसका मतलब है 16, 26 और 28 इसको जोड़ेंगे तो ये आपके 70 हो गया, कितना हो गया 70, तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी 70 होगी, लंबाई 150 चौड़ाई 70, फिर जाए अपन इसके अंदर ऊंचाई के अंदर, इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी दिख रही है, ऊंचाई आपको दिखेगी तो यहाँ ये इसका बॉटम और टॉप पॉइंट ये है। अब बॉटम से अपन स्टार्ट करते हैं, तो देखो ये जो कितना है ये आपका 16 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 16, ये आपके 16 है, ये पूरा का पूरा जो ऊंचाई है जो प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने किताब को आपको रख के बताया था ये चीज है, इसके ऊपर आपका ये पार्ट आ रहा है ना, और इसके ऊपर ये चीज है कॉर्नर पे, तो ये 16 है और इसका सेंटर जहां जा रहा है, इसका सेंटर जा रहा है वो यहाँ से 34 ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है 34 ऊपर, और उसके बाद जो आउटर डायमीटर है वो आपको आउटर रेडियस दे रखा है, बाहर वाला क्या दे रखा है आपको रेडियस दे रखा है, इसके अंदर आपका ये रेडियस दे रखा है, यहाँ से ये रेडियस बाहर वाले पार्ट का दे रखा है, यानी कि आप यहाँ सेंटर से इस बॉटम के जो बॉटम का जो तल है इसके टॉप से इसके सेंटर तक आया कितना है 34 आए, इसका मतलब देखो 16 तो ये और 34 यहाँ से इसके सेंटर तक आए, और उसके बाद यहाँ जो आपको इसका जो आउटर पार्ट का जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है 25, और इनर वाला जो सर्किल दिख रहा है जिसमें थ्रू होल दिख रहा है, इसके अंदर थ्रू होल बना हुआ है, ऐसा का ऐसा ही पार्ट है, ऐसे का ऐसा ही पार्ट है, जैसे इसके अंदर जो थ्रू होल है वो उसका यहाँ क्या लिख रखा 5 लिख रखा, देखो इसका जो ये ऐसे चिन्ह बना दिया इसका मतलब क्या हो गया 5 का मतलब होता है व्यास या डायमीटर, व्यास या डायमीटर, और ये आर का मतलब होता है रेडियस,
क्लियर हो गया। अच्छा तो अपन ने क्या देखा कि इसकी जो टोटल हाइट कितनी निकलेगी, 16, 34 इस सेंटर तक का, और उसके बाद में सेंटर से इसका जो आउटर पार्ट है सर्किल का वो आ रहा है 25 उसका रेडियस है, यानी कि इससे यहाँ कहीं भी बाहर की तरफ जाएंगे तो वो 25 बाहर आएगा। इसका मतलब है कि 34, 25 एंड 16 इनको जोड़ा अपन ने, तो ये आपको हो जाएगा 75। 6, 4, 10, 5, 15, 1, 5 आंसर लगा 1, 2, 4, 3, 7, 75। इसका मतलब आपका जो डायमेंशन निकला, जब आपने इसको बनाना होगा तो आप क्या बनाएंगे, इसको क्यूबॉइड बनाएंगे 150x70x75 का, और उसके अंदर कटिंग करके आप इसको सेट कर देंगे, है ना। ये वाला जो पार्ट है ये भी आप इसके ऊपर उभरा हुआ दिख रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये वाला पार्ट जो इलेक्ट्रिकल जो पार्ट दिख रहा है ऊपर से देखने पे, ये इसमें होल कटा हुआ है इलेक्ट्रिकल सेट में, और ये इसके ऊपर उभरा हुआ है, लेकिन इसकी ऊंचाई 3 mm नहीं है, तो ये 3 mm ऊंचाई इसी के अंदर आ गई, तो ये ऊंचाई के अंदर अलग से नहीं जाएगा, मैक्सिमम ऊंचाई आपकी 75 आई। अब इसके हिसाब से अपन एलिवेशन प्लान और साइड के बॉक्स जनरेट कर लेंगे। तो एलिवेशन की साइज क्या निकली, एलिवेशन की साइज आपकी निकली है लंबाई आएगी इसकी 150 और ऊंचाई आएगी इसकी 75, अर्थात में एलिवेशन 150x75 को बना लूं, तो ये आपने यहाँ जो आपका लाइन है इससे आपने 150 ना आपने यहां से आपने ये 150 ले लिया, 10-10 mm वाली अपने लाइन ले ही रखी थी पहले, हाइट कितनी है 75, हाइट कितना है इसका 75, हाइट में आपने इसको नाप लिया ये 75 हाइट हो गया। अच्छा अब जो साइड व्यू में देखें, इसका पहले मैं एक बार कंस्ट्रक्शन कर दूं पूरा, जो आपका बॉक्स दिखेगा एलिवेशन में, साइड व्यू की साइड व्यू का ले तो साइड व्यू में क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो चौड़ाई कितनी आ रही है, चौड़ाई आ रही है उसकी 70, कितनी आ रही है 70, और ऊंचाई कितनी आ रही है 75, तो ये 70 मैंने यहाँ जो आपका जो रेफरेंस लाइन थी 10 mm आगे वहां से मैंने ये 70 पे मार्किंग किया, और हाइट वही आएगी जो मैंने अभी बताया था आपको, कितनी हाइट वो वही आएगी जो आपकी फ्रंट की हाइट है। एक्चुअली जैसे कोई मेजर सामने से कोई चीज है, ये सामने से कोई चीज रखी, इसको आपने फ्रंट में देखेंगे तो वही हाइट आएगी, साइड से देखेंगे आगे तो भी वो की वही हाइट इसके अंदर आएगी। तो ये अपन ने साइड का बॉक्स बना लिया। अब चलते हैं अपन प्लान, प्लान में अपन ऊपर से देखते हैं, प्लान को हमेशा किधर से देखते हैं, जिधर से आपने फ्रंट लिया है फ्रंट की तरफ से अपन प्लान देखेंगे। तो फ्रंट की तरफ से मैं प्लान देखता हूँ, तुमको देखूंगा तो लंबाई में कितना आएगा 150 और चौड़ाई में कितना आएगा 70, लंबाई में 150 और चौड़ाई में 70, तो ये यहां से यहां तक 150 ले लिया और ये आपने 70 है, ये आपने चौड़ाई में 70 ले लिया। अब देखो इसमें हमेशा जो दो दो चीजें बराबर आती है, मैंने पहले बताया कि एलिवेशन और प्लान की जो लंबाई है बराबर आएगी, फ्रंट व्यू और साइड व्यू की ऊंचाई बराबर आएगी, और जो प्लान की चौड़ाई है और साइड व्यू की चौड़ाई है ये आपस में बराबर आएगी। ये अपन ने मार्किंग करके अपने यहाँ पे लिख लिया। अब अपन सबसे पहला काम करते हैं एलिवेशन को जनरेट करें। एलिवेशन को जब अपन से देखते हैं तो मैंने देखो एलिवेशन में क्या क्या चीज दिख रही है आपको, उसके लिए मैंने यहाँ मार्किंग किया है। क्या मार्किंग किया है, ग्रीन से मार्क किया है। ग्रीन से क्या क्या पार्ट के मार्क किया, देखो मैं एक बार और बताऊँ आपको, जो प्रॉब्लम है आपको देखो अच्छी तरह से देखें आप एक बार, ये प्रॉब्लम है आपका, ये मैं अगर आपको वापिस और कहीं देखना है तो ये देखिए भी पब्लिकेशन का बुक है इसका 83 पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर 83 पे ये है, आप इस पे देखेंगे बहुत अच्छी बुक है, एक्सरसाइज अच्छी तरह समझा रखें इस पे आप देखेंगे, तो ये आप देखेंगे तो इसके अंदर 83 नंबर का जो प्रॉब्लम है ये वाला प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ बना रखा है। इसकी जो ऊंचाई देखें और लंबाई देखें थोड़ा ही पढ़ने निकाल ली, तो फ्रंट में क्या क्या चीज दिख रही है उसको मैं मार्किंग कर रहा हूँ। फ्रंट में क्या क्या दिख रहा है आपको, मैंने इसको ग्रीन से शेडो किया। एक्चुअली क्या है कि अपन थोड़ा शेड कर देंगे तो ये दिखने में हो जाएगा भाई ये चीज अपने को इधर से दिखा, जो जो मैंने ग्रीन से शेडिंग किया, देखो ये वाला पार्ट आपको इधर से देखने पे दिख रहा है, कहाँ से, फ्रंट से देखने पे। उसके बाद में ये जो सर्कुलर पार्ट है जो कि आगे उभरा हुआ है वो पार्ट आपको दिख रहा है, और नीचे जो इसका जो है बॉटम जो रखा हुआ है बॉटम वाला पार्ट, इसके अंदर सामने से ये जो चीज देखेंगे ये दिखेगा, और ये जो तिरछा वाला कटिंग है इसका वाला पार्ट भी आपको सामने से देखने में दिखेगा। इसका मतलब है ये पार्ट बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा और ये सर्कुलर पार्ट बनेगा,
इसके साथ ही इस जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ये थोड़ी कॉलर्स निकली हुई है, जो आपका जो इलेक्ट्रिकल जो होल कटा हुआ है, ग्रूव कटा हुआ है, इसकी 3 mm की ऊंचाई के कॉलर निकली हुई है। इसमें देखो क्या चीज आ रही है, इसको और देखिए अपन, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, यहाँ लिखा हुआ है 32 CRS। क्या लिखा हुआ है देखो, 32 CRS। ये 32 CRS का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर है, इन सेंटर की जो रेडियल डिस्टेंस है, यानी कि त्रिज्य दूरी है, यहाँ से इस सेंटर से सेंटर की लंबत दूरी कहते हैं या त्रिज्य दूरी कहते हैं, वो कितनी है, 36 है। कितना है, 36 है। अब इसमें देखो और थोड़ा समझाऊं मैं आपको, क्या क्या चीज नहीं दी हुई है लेकिन फिर भी पता पड़ता है। अब देखो इसके अंदर ये जो बाहर वाला पार्ट है उसका रेडियस दिया हुआ है 16 और अंदर वाला जो पार्ट है उसका रेडियस दिया हुआ है 8। अब इसमें इनकी चौड़ाइयां नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, ये सेंटर लाइन बनी हुई है। क्या बना हुआ है, सेंटर लाइन बनी हुई है। सेंटर लाइन का मतलब समझते हैं, सेंटर लाइन कैसी आती है, एक लंबी लाइन, फिर गेप 1 mm का और 2 से 3 mm लंबी लाइन, 1 mm का गेप और फिर लंबी लाइन। ये लंबी लाइन 15 से 20 mm की ले लेते हैं, ये 1 mm का गेप दे देते हैं और 2 से 3 mm लंबी लाइन लेते हैं, 2 to 3। इस प्रकार अपन ने लंबी, गेप, छोटी लाइन, गेप, फिर लंबी लाइन, ये सेंटर लाइन होती है। सेंटर लाइन हल्की होती है, ये हल्की सी लाइन होती है सेंटर लाइन, जो कि मैंने यहाँ लाल लाल जो लाइन दिखा रखी है वो मैंने सेंटर लाइन से व्यक्त कर रखी है। आप देखिए तो सेंटर से सेंटर की जो रेडियल डिस्टेंस है वो 32 है, और इसके अंदर अपन ने देखा कि यहाँ सेंटर से ये चीज गुजर रही है और ये सर्कुलर पार्ट है और सेंटर की तक यहाँ की इसकी लाइनें आ रही है। इसका मतलब क्या, पूरा सेमी सर्कल बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। जब अर्धवृत्त बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, जो अंदर वाला पार्ट है इसकी जो चौड़ाई होगी, जब आप ऊपर से देखेंगे, जब आप इसको टॉप से देखेंगे, तो ये चौड़ाई कितनी दिखेगी, 8 का रेडियस है तो ये 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके, 16 हो जाएगी। और ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, इसका रेडियस आपको यहाँ पे कितना दे रहा है, 16 दे रहा है। कितना दे रखा है, 16। जब ये रेडियस आपका 16 है और यहाँ से यहाँ तक 16 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 16 हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया, 32। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे, इन दोनों पैरेलल लाइनों की जो बीच की दूरी है, बाहर वाली जो पैरेलल लाइन है ये और ये, इनके बीच की दूरी कितनी बनेगी, 32। क्लियर हो गया होगा कि अपने को क्या क्या चीज अपने को दिखेगी। अब मैं फ्रंट व्यू में क्या क्या चीजें जो मैं आपको बनाना स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखो सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म कितना है, 16 mm ऊपर। प्लेटफॉर्म की एक लाइन खींच दी 16 mm ऊपर, और ये वाला जो पार्ट है 16 mm के ऊपर, ये कहां तक जा रहा है, ये इसके सेंटर तक जा रहा है, सेंटर के बाद में ये राउंड अप हो रहा है। अब सेंटर कितनी ऊंचाई है, तो 16 से 34 ऊपर चल जाएंगे। यानी कि इसका जो सेंटर है आपका 16 से 34 ऊपर चल जाए, वहां इसका सेंटर आएगा। इसका सेंटर लाइन आ गई, यहां आपका सर्कुलर पार्ट आपका बनेगा। ये 16 है, 16 के ऊपर आपका 34। इधर से जो आप देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम ऊंचाई यही दिख रही है, उसके बाद में आपका सीधा टेपर वाला पार्ट जा रहा है। अब वो कहाँ जाएगा, वो अपन पहले सर्किल डेवलप करेंगे, उसके बाद अब सर्किल आपको डेवलप करना है। रेडियस कितना है इसका, रेडियस है इसका 25। आर कितना है इसका, 25। जब आर 25 है तो इधर से भी 25 आ जाए और इधर से 25 आ जाए, ये तो 25 है ही। तो इसका सेंटर आपके यहां, इसका सेंटर आ गया, इस सेंटर पे आपने ये सेंटर ये सर रेडियस लिया आपने और
कंपास के अंदर चाप भरा, कितना चाप भरेंगे 25 का। ये अपन ने बड़ा वाला सर्किल जो बाहर वाला जो है सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका अपन ने सर्किल बना दिया। अंदर वाला जो है उसका रेडियस कितना है, देखो उसका रेडियस आपको दिया हुआ है ये 25 था और 525 दे रखा है। 525 दे रखा है इसका मतलब है कि 12.5 आधा कर दिए। 5 मतलब होता है डायमीटर, 5 का मतलब बता था व्यास, व्यास का आधा किया आपने तो कितना आएगा 12.5। 12.5 mm का आपने डिस्टेंस ना आपने और वो चाप आप उसमें भर ले। सेंटर पर रखें और सर्किल जनरेट कर दें। या आप कंपास से बना देंगे, आपके पास कंपास रहेगा उससे आप इन्हें देख लेंगे। ये मैं पेन पे इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये ग्रीन में है, ग्रीन में थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा। ये आपका सर्कुलर पार्ट आपने बना दिया। अब क्या होता है, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बताऊं मैं आपको क्या ध्यान रखने का है। जब आप इसमें इसको मिलाएंगे, जैसे ये जो पार्ट है, अब ये पार्ट इसके ऊपर मिल रहा है, ये कहाँ मिलेगा, ये बिल्कुल जाके यहाँ टॉप पे नहीं मिलेगा या अंदर भी नहीं जाएगा। टॉप पे आप मिलाएंगे तो ये अंदर इसको लाइन को काटेगा, अपने टॉप पे नहीं मिलाना इसको। ये आप कहाँ मिलाएंगे, इसका जो आउटर पार्ट है, इस सर्किल का बिल्कुल जो आउटर पार्ट है वो इस कॉर्नर से अपने मिला देंगे। ये यही मिला है, यहां तक नहीं आया। यहां तक अगर आप जाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। यहां तक जाएंगे का ये पार्ट आपके अंदर सोते हुए आएगा, जो कि गलती। ये क्या बिल्कुल स्मूथ कर्व होता है, इसलिए ऐसा होता है। सामने से देखा, देखो अपने को ये चीज दिख रही थी पूरी, इसमें कहां जो कट आ रहा है, यानी यहाँ से 75 छोड़ते थे, यहाँ से 75 छोड़ते हुए अपन इसको मैं यहाँ से यहां तक पूरा बना दूं। ये रोलर स्केल है, ये भी आपका पैरेलल लाइन खींचने के लिए काम में आता है। इसके अंदर यहां से कितना चाहिए मेरे को, 75। ये यहां से 75 है, उसके बाद में पेपर कट रहा है, पेपर कट रहा है, लेकिन क्या है कि ये यहां से यहां तक इस पेपर की लंबाई वास्तव में ये इससे ज्यादा है, इस 75 से ये लंबाई ज्यादा निकलेगी, लेकिन जब सामने से फ्रंट से देखोगे तो आपको ये 75 में ही कवर हुआ हुआ दिखेगा अच्छे तक। 75 की जो लंबाई है ना, उसके अंदर ही, क्योंकि इसकी जो छाया बनेगी टोटल 150 के अंदर ही आनी है। अब इसकी लंबाई में नागुआ 75 है और ये यहाँ से यहाँ तक 75 आती, लेकिन क्योंकि मैंने इसको तिरछा काट दिया तो लंबाई ज्यादा बन रही है, लेकिन वास्तव में जब आप सामने से देखेंगे तो इसकी जो छाया आएगी 75 है, इसके अंदर 75 के अंदर ये छाया पूरी कंप्लीट इसकी आ जाएगी। तो सामने से दिखाई देगा और क्या चीज है जो नहीं दिख रही आपको, और में ये पार्ट है। अब इस पार्ट की पोजीशन कहाँ है, इसकी पार्ट की पोजीशन देखते हैं तो यहाँ से 36 इस कॉर्नर से मैं 36 इधर आ जाऊँ। थर्टी सिक्स आने के बाद ये मैं सेंटर पे आ गया इस जगह, और 36 के बाद 32 ये सेंटर पॉइंट्स आ गए इसके। अब इसके बाद यहां से इसका जो आउटर पार्ट है वो अभी देखा था कि इसका रेडियस कितना 16, यानी कि यहां से मैं बाहर कितना जाऊंगा 16। और इस सेंटर से मैं इधर भी कितना जाऊंगा 16।
तो ये जो पार्ट है आपको उभरा हुआ दिखेगा, और कितने एमएम ऊंचा है ये? 3 एमएम। तो 3 एमएम ऊंचाई पे ये जो पार्ट है आपको सामने से देखने पे, ये जो मैंने ग्रीन वाला जो पार्ट थोड़ा थोड़ा और बनाया है आपको, ये दिखेगा। अब इसमें क्या चीज नहीं दिखी, ये तो आउटर पार्ट तो आपको दिख गया, ऊंचा भी दिख गया इसका, लेकिन इसके अंदर ये जो ग्रू कटा हुआ है और जो इस ग्रू की जो पोजीशन है, यहाँ यहाँ से इसका कितना 8 रेडियस है, 8 रेडियस है, और यहाँ से भी 8 रेडियस है। तो मैं इसका रेडियस का मार्किंग कर देता हूँ। तो इस अंदर वाला जो ग्रू है, दूसरा वाला यही आ रहा लगभग, ये जो पार्ट है यहाँ पर आपकी इसकी डोटेड लाइन आएगी। क्या आएगी आपकी? इसकी डोटेड लाइन आएगी, क्योंकि ये दिखा नहीं आपको, दिखता नहीं है, उसकी क्या करते हैं अपन डोटेड लाइन डाल देते। जो चीज आपको दिखती नहीं है उसका अपन डोटेड लाइन डालते हैं। दूसरा वाला डोटेड लाइन इसी के नीचे ओवरमेक हो रहा है, और ये क्या है आपका, आपने लाइन ली थी सेंटर लाइन, क्या लिया था आपने, ये वाला पार्ट है। हाँ, तो देखो क्या क्या दिखा आपने, ये दिख गया, ये अच्छा, ये टेपर वाला पार्ट ये दिख गया, और ये सर्कुलर पार्ट दिख गया। अब ये जो ऊपर से दिखने वाला था ये पार्ट आपको दिख गया, इसके अंदर ये जो लाइन थी इसी लाइन के नीचे इसकी रोटेड आ गई, ये जो आपका 75 की जो लाइन आ रही है उसी के नीचे इसकी रोटेड आ गई, ये रोटेड लाइन है, ध्यान रखना। तो आपको फ्रंट में जो चीज दिख रही थी वो हो गई, और जो नहीं दिख रही थी वो भी आपकी हो गई। अब चलते हैं अपन प्लान में। तो प्लान हमेशा किधर से लेते हैं, देखो प्लान को हमेशा और हमेशा जिधर से फ्रंट देखते हैं, फ्रंट देखते हैं, जैसे सपोज करो ये चीज आपका फ्रंट था, मान लिया कि ये चीज आपके फ्रंट था, इसका प्लान आप इधर से लेंगे, जो जाके प्लान नहीं देखेंगे, ध्यान रखना। फ्रंट जिधर से लेते हैं उधर की तरफ से जाके आप उसमें ऊपर प्लान देखते हैं। प्लान में अपन अगर अपन ने पहले से स्टार्टिंग से इसके बॉक्स बना दिए तो आपकी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि आपने इसको यो नहीं बनाएगा, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट गलती से भी इसको बनाना चाहेगा तो वो गलती नहीं हुई, क्योंकि पहले से ही अपन ने इसका मार्किंग डिमार्केशन कर रखा है कि मेरे इस बॉक्स के अंदर आपका मेरा एलिवेशन आएगा, इस बॉक्स में मेरा प्लान आएगा। प्लान में क्या क्या चीज दिख रही है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट रहा है, जिसमें अभी मैं डॉट्स डाल रहा हूँ, ये जो मैं ब्लैक से डॉट डाल रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपको प्लान दिखा, ये दिखेगा, और ये आपका प्लेटफॉर्म। तो ये चीजें आपको प्लान में दिखेगी। अब इस प्लेटफॉर्म की देखो मैं डायरेक्ट मार्किंग करता हूँ, ये 75 यहाँ आ रहा था, मैं यहाँ से सीधा इसका 75 पे मार्किंग ले लेता हूँ। ये 75 पे आएगा पॉइंट, और यहाँ इसके जो है ऊपर से देखेंगे, इनको भी मैं ट्रांसफर दे लेता हूँ, नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ सेंटर लाइन है आपकी, यहाँ भी आपका सेंटर लाइन, ये नहीं सेंटर लाइन आपका, ये सेंटर लाइन है, और ये सेंटर लाइन है, ये प्लान आप हटा दे, यहाँ ये आएगा मीडियम पार्ट, बार का पार्ट, और ये इसके अंदर वाले पार्ट यहाँ डेवलप होगा। ये अपने डिमार्केशन कर दिया, एक बार का मार्किंग कर दिया इसे, ये चीजें आपको इसमें मार्किंग मेरे को वापस नहीं लेना पड़ेगा, और मैंने इसे मार्किंग डाल दी। और क्या दिखेगा आपको ऊपर से देखने पर, ये वाला पार्ट, ये कितना है यहाँ से 60, ये जो 16 जा रहा है ये अब कहां तक जाएगा, इसके लिए मैं पहले क्या करूं, आपको यहां से इसका प्रोजेक्शन आएगा, क्या आएगा यहां से प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन आए उससे पहले मैं इसको बना लेता हूं। ये वाला पार्ट आपको जो ऊपर से देख रहे हैं, तो जो सर्कुलर पार्ट है वो क्या दिखता है, आयताकार, और इस आयताकार की जो चौड़ाई है वो कितनी, 25, यानी कि यहां से मैं 25 आगे आ जाता हूं, और इसी के पैरेलल में हल्की सी लाइन ले लेता हूँ,
ऊपर से जो सर्कुलर पार्ट था वो वाला पार्ट ये हो जाएगा आपका, ऊपर से देखोगे तो ये वाला पार्ट केवल यहीं तक आता हुआ दिखेगा, जो भी आपकी जो है इसकी दूरी है यहां से तक का पूरा 25 तक का ये दिखेगा। अब इसमें ये जो पार्ट है आपका यहां तक से आ रहा है, इसका जो प्रोजेक्शन देखो, ये जो है ना, ये जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है जहां ये टच हो रहा है, जहां ये टच हो रहा है। तो मैं यहां से इसका हल्का सा एक प्रोजेक्शन लाइन लेता हूं, ये आपको प्रोजेक्शन लाइन लेनी पड़ेगी, ये प्रोजेक्शन लाइन लेंगे और उसी दूरी तक ये आपका जो है, ये जो इसके जो वेव चल रही है उसकी दूरी कहां तक आएगी, यहां लेकर के इसको हल्का सा आप राउंड अप कर दें, क्या कर दें, राउंड अप कर दें। क्योंकि कभी भी कोई सपोर्ट है बिल्कुल तीखा सा नहीं लगता, कभी भी हल्का सा उसके अंदर राउंड अप कर दिया, ये वाला पार्ट आपको पूरा दिखेगा। ये वाला पार्ट आपको पूरा दिखेगा, अब रहा आपके ये वाला पार्ट, ये कहां जा रहा है, जब इसको देखते हैं तो ये वाला पार्ट आपके इसकी सीड में यहां पर, और ये चीज इससे मिल रही है। अब इसमें जो ये पार्ट ऊपर से जो देख रहे हैं उसके नीचे जो दबेगा, यानी कि सर्कुलर जो बेलनाकार पार्ट के नीचे दबेगा, उसको कर देंगे आप रोटेट और बाकी कर लेंगे आपको पूरा पक्का सीधा। ये लाइन किसकी आई है, ये वाली लाइन नहीं है, इसमें इसके नीचे जो कुछ पार्ट दब गया ऊपर से देखने पर वो अपन ने ये रोटेट कर दिया। अब ऐसा आपका ये वाला पार्ट है, इसको आप मिला दे, देखो तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, अगर समझ में आ जाता है तो कहाँ कहाँ गलती करता है वो मैंने बताया। एक तो स्टूडेंट गलती यहाँ करता है कि ये सोचता है कि ये जिस चीज़ लाइन मिल रही है, जबकि वास्तव में ये जो सर्कुलर पार्ट है, जैसे मैंने सिलेंडर को आपको रख के बताया था कि ये यूँ लगा हुआ है, तिरछा देख रहे हैं तो तिरछा देखने पर जब आप इसको देखते हैं तो ये पॉइंट आपको यहाँ तिरछा मिला हुआ दिख रहा है, बाकी वास्तव में ये नीचे लग नहीं रहा है, नीचे इसको टच नहीं कर रहा है, झूलता हुआ पार्ट है ना, ये जो सिलेंडर पार्ट है इसमें हैंग हो रखा है, झूलता हुआ है। ये हो गया, ये वाला पार्ट बन गया, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब अपन इसको ड्रो करते हैं, इसकी पोजीशन अपने ले ली, अब इधर से इसका सेंटर कितना है, तो यहां सेंटर इसका यहां से 28 दूरी पे, यहां से आप 28 दूरी पे आप इसका सेंटर लाइन डाल दें, मैं सेंटर लाइन रेड से डाल दूंगा, आपको सेंटर लाइन अपने डाल ली। अब इस सेंटर लाइन से अपने को ये पता है कि इसकी डिस्टेंस 16 है और ये अपने निकाली थी 32, तो ये सेंटर से 8 इधर और 8 इधर, दूसरा है वो पार्ट आपका है 32, कितना टोटल 32, देखो रेडियस कितना है इसका 16, तो आपका सेंटर से ये इधर कितना जाएगा 32, यहां मैं इसकी लाइनें डाल देता हूं, लाइन डालने से पहले मैं यहां इसका सर्कुलर पार्ट बना देता हूँ, जो इसका रेडियस दिया हुआ आपको उस रेडियस के हिसाब से अपन यहाँ पे इसको जनरेट कर देते हैं। देखो ये आपका 8 का रेडियस है, आप कंपास में 8 एमएम का चाप भरेंगे, और सेंटर पे रखेंगे और ये आप चाप लगा देंगे,
फिर बचता आपका 16 mm का रेडियस, कितना है ये वाला रेडियस बार वाला 16 mm। आपके पास जो कंपास होगा छोटा होगा, आराम से आप ये देखिए स्लाइड हो रहा है इतना बोर्ड, इसलिए ये आपका सर्कुलर पार्ट डेवलप हो गया। इसको आपने इससे मिला दें, ये मिला दें, ये पहले अपन ने मार्किंग किया था, हटा लेंगे। तो ये आपका अपन ने जो प्लान में क्या चीज दिख रही थी होगी, क्या नहीं दिखा ऊपर से देख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा था, इसकी पोजीशन क्या थी, ये थी। इसी से आप डायरेक्टली इसके अपन प्रोजेक्शन लेकर के, और जो चीज नहीं दिख रही है और कहाँ पूरा थ्रू होल है, तो इसके वाले पार्ट में जो सिलेंड्रिकल पार्ट था इससे थ्रू होल है, तो इसी क्या डाल दें, रोटेट डाल दें। ये आपकी इसकी रोटेट हो गई, इसकी ये जो पार्ट नहीं दिख रहा है, तो आपका ये प्लान लगभग लगभग पूरा हो गया। देखो ये वाला पार्ट आपका दिख गया, इसके अंदर ये कहां तक गया मैंने बताया कि जहां ये इसका सपोर्ट जाता है वहां से आपने इसको लिया और वहीं आप ग्राउंड अप करके छोड़ देंगे। फिर अपन ने देखा ये वाला पार्ट आपको ऊपर से देखने पे उभरा हुआ नहीं दिखेगा, ऊपर से केवल ये वाली पार्ट दिखेगी, तो ये जो इसका जो पाथ है वो ऐसा वैसा पाथ बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल पाथ आपने बना दिया। अब ले अपन साइड व्यू में क्या दिख रहा है, देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको, जिसको मैंने आपको रेड से किया हुआ है, ये दिख रहा है, यहाँ का थोड़ा सा पार्ट दिखेगा और ये वाला पार्ट दिखेगा। इसका मतलब है कि ये मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, पूरी ऊंचाई तक, इसके बाद यहां से ये कितना 16 कितना ऊपर जाएगा, सेंटर तक तो जाएगा, उसके अलावा ये पार्ट बड़ा हुआ आएगा। इसकी कितनी है, इसकी यहां से देखेंगे चौड़ाई निकली हुई आएगी 25, कितना है 25, ये जो 25 चौड़ाई है ये आपका इधर है 25 है, और उसका डायमीटर कितना है 50, डायमीटर आपका 50 है, तो यहां से मैं 50 नीचे आ जाऊं, ये एस का निशान जो साइड हुआ था हटा दिया, कितना डायमीटर इसका 50 इसके सीट तक। चाहे तो आप इससे इसका सीट ले लें, ये आपका ऊपर से साइड व्यू से देखा तो ये वाला पार्ट आपका यहां तक है। अभी सपोर्ट जो जा रहा है, अब सपोर्ट आपके यहाँ ऊपर कहां तक मिल रहा है, तो वो बिल्कुल सेंटर तक जा रहा है, तो ये सेंटर तक अपने लेकर के लगभग लगभग सेंटर तक आपको जाता हुआ दिखेगा, ये सपोर्टिंग आपका इसका सेंटर तक जाएगा, तो सेंटर तक आप इसको सेंटर लाइन डाल ही दे, सेंटर लाइन में रेड से डाल देता हूं, लंबी लाइन ये छोटी लाइन, यहां जहां तक जा रहा है सेंटर पे जाकर के इसको आप राउंड अप कर देते हैं, स्मूथ कर हो गया। ये नीचे वाला पार्ट है, जो बॉटम है, बॉटम की जो है जो प्लेटफॉर्म है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई आपका 16,
इधर के लिए बॉटम ही दिखेगा, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का दिख गया, ये वाला पार्ट आपके लिए हो गया, ये वाला जो पार्ट आपका बाहर निकला हुआ था हो गया। इसको मैं आपको पक्का कर देता हूँ। देखो अपन जब स्टार्टिंग में जो लाइनें लेते हैं ना वो हल्की लेते हैं, जो जो मैंने काली करी है वो लाइनें आपकी ड्राइंग की लाइन होगी, पक्की लाइन होगी। तो जब आपने इधर से देखा साइड व्यू से तो आपको क्या क्या चीज दिखी। अब एक चीज और आपके रह रही है, वो क्या है, जब आप इधर से देख रहे हैं तो यहाँ की ये जो पार्ट है इसकी पोजीशन कितनी है, तो इसकी पोजीशन है आपके इधर से इसका सेंटर ले तो 28, कितनी 28 दूरी पे। ये इसका सेंटर है, सेंटर लाइन रेड से डाल देता हूं। इस सेंटर को जब इधर से देखा तो सेंटर से ये कितना बारी वाला पार्ट 16 का रेडियस है, इसका मतलब 16 इधर और 16 इधर। ऊंचाई कितनी इसकी 3 mm। इसी के बराबर ऊंचाई होगी। अब ये क्या है कि ये पार्ट आपको दिखा दे हो गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल होल कटा हुआ पूरा पूरे में, और इसकी क्या जो है कितनी है 16 है, ये कितनी है 16। यहां क्या आएगी इसकी रोटेट लाइन आएगी। ये रोटेट लाइन होगी, ये रोटेट लाइन किसकी आई है, ये अंदर जो ग्रूव कटा हुआ है इधर से देखने को तो दिख नहीं रहा है इसके लिए, और कहाँ आएगा इधर से देख रहे हैं इसके अंदर भी ग्रूव है वो नहीं दिख रहा है। इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी पोजीशन आप यहाँ से चाहे तो आप सेंटर से ले लें, सेंटर से अपन लें तो ये कितना है इसका रेडियस 25 है, रेडियस कितना है इसका 12.5 12.5 क्योंकि 50 25 इसका क्या है 5 है, तो 25 आई है तो दोनों तरफ मिलकर 25 होना चाहिए, इसका मतलब है कि 12.5 इसका रेडियस अपन ले लेते हैं। यहाँ इसकी रोटेट आ जाएगी क्योंकि आप जब इसको साइड से देखते थे ये चीज आपको दिखी नहीं है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे है इसका रोटेट होगा। ये लगभग लगभग आपका ये चीज आपका कंपलसरी नहीं है, ये चाहे तो आप हटा सकते हैं। ये आपका जो है ना ये अपन ये मानो रेफरेंस लाइन थी, हल्की है तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है और हल्की नहीं है आपको हटा देनी है। ये आप रेफरेंस लाइन रहने दें क्योंकि ये आपका एक्स वाई एक्सिस जो आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा देखो ये आपको फ्रंट में ये चीज दिखी कंप्लीट हो गया। अब इसका रहता है आपका डायमेंशन देने का, क्या कह रहे हैं डायमेंशन आप दें, देखो अब इसको डायमेंशन देंगे तो डायमेंशन देने के लिए आपको एरोहेड वगैरह बनाने का ध्यान रखें। ये बताया मैंने 32 CRS वगैरह क्या होता है ये मैंने आपको बताया। डायमेंशन जो चीज जहां दिखती है जहां तक संभव हो उसको आप वहीं दें। देखो अब रेडियस वगैरह की जो डायमेंशन दें तो कैसे देते, ये आपका क्या चीज मैंने दे रखा, देखो ये दे रखा 5 25, जैसा इसने दे रखा अपन वैसा ही दे देते, इसमें 5 के रूप में दे रखा है तो अपन भी 5 के रूप में दे दो, तो बड़ा वाला आपने इसने रेडियस भी दे रखा तो अपन भी रेडियस में दे देंगे। तो ये तो दे रखा रेडियस आर 25 और ये दे रखा 5 मतलब डायमीटर कितना 25, ये तो डायमीटर 25 है और ये रेडियस इसका 25 है, ये कितना है 3 mm, ये कितना है 3 mm।
टोटल डिस्टेंस इनका कितना है 150, तो ये यही दे दो आप इसी पे। ये कितना है 75, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले देता हूँ, 75, ये 75 तो पहले 75 वाला दे देता हूँ, ये वाला पार्ट जहाँ ये कट रहा था पेपर जा रहा है वहां से कटिंग होके, तो ये है 75। इसके नीचे वाला पार्ट में आपको दे देता हूँ, इनका रेडियस ले लो, एक का रेडियस, दोनों का रेडियस दे रखा है। अब देखो कई बार क्या होता है कि अपने को डायमेंशन बाहर निकाल के ले जाने में ज्यादा दिक्कत होती है, तो अपन अंदर के अंदर भी दे सकते हैं। ये तो है आपका आर 8 और ये वाला है आपका आर 16। और क्या डायमेंशन बचा है, ये आपका कितनी चौड़ाई है 25, दिख रहा होगा कंप्लीट। और क्या क्या बच रहा आपका, हाई इसका हो गया, ये आपका 75 हो गया, 120 हो गया, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई आपका 16, तो आपने इधर दे दो, ये आपका 16 हो गया। अब ये जो सेंटर है ये कितना है, यहाँ से ये सेंटर आपका 32। देखो वैसे देने की बात थी लेकिन अब मेरे पास जगह कम है तो मैं अंदर दे सकता हूँ 32। इसके जो सेंटर्स की पोजीशन है वो आप दे दें, इसके जो सेंटर की पोजीशन है वो अपन यहाँ दे देते हैं कि ये जो सेंटर है आपका यहाँ से और इसके आगे का ये सेंटर, ये आपका है 36 और ये 32 CRS और ये आपका 36। ये आपका यहां से यहां तक का 26 ये और 16 ये, ये 16 और ये 26, 16 हो गया, 26 हो गया, ये कितना है 28, तो ये भी आप देखें यहाँ से क्योंकि टोटल थोड़ा यहीं से आएगी। आवाज आ रही होगी सबको, 28, ये आपको कंप्लीट जो है। अब अपन थोड़ा सा अगर कोई डायमेंशन बचा है तो इसको अपन यहाँ दे दें, जैसे ये 16 अपन ने यहाँ दे दिया तो यहाँ देने की जरूरत है नहीं, और ये 16 अपन ने दे ही दिया, ये कितना है यहाँ से इसका सेंटर, ये 28, ये 28 है आपका इसमें चौड़ाई में सेंटर, तो ये आप दे दें। जो डायमेंशन जहां दी हुई है लगभग वही दे दें, ये 28। टाइम अपना ओवर होने वाला है थोड़ा फास्ट कर लो, ये 28 हो गया, ये 28 है तो यहाँ से 28 जाएगा, चाहे तो यहाँ दें चाहे यहाँ दे, यहाँ दे दी तो यहाँ देने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप हटा सकते हैं। अब इसका अपन नाम लिखेंगे, जो चीज आपने बनाया वो आप नाम यहाँ पे लिखें, ये क्या बनाया था आपने, ये अपन ने बनाया है प्लान, ये अपन ने बनाया है एलिवेशन,
और ये आपने बनाया है साइड। साइड व्यू और ये हो गया आपका प्लान। ये अपन ने बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, इसको डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाले हैं और मैंने अभी बताया था कि आईटीआई एकेडमी के नाम से मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, ITIACADEMY, आप उसको जाके देखें। उसमें मैंने नो प्रॉब्लम इससे पहले की जो थोड़ा कम टिपिकल है वो मैंने बताई हुई है, आप देखें। और आपको मैं मेरा नंबर देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, वो है 9414677845। आप इस पर जाकर के मेरे को आपका मोबाइल नंबर वगैरह मैसेज कर दें, आपकी जो आईटीआई का नाम मोबाइल नंबर नाम, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसमें आपको जब भी मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन क्लास, तो मैं आपको उसका मैसेज डाल दूंगा, है ना। और जो भी कोई जानकारी अपने आईटीआई से रिलेटेड है मैं आपको उसके ग्रुप पे शेयर करता रहता हूँ। तो थैंक्स, आपको समझ में आया होगा। आप मेरा मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और आईटीआई एकेडमी चैनल पे जाकर के इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। अपन ने जो है क्या क्या जो है डायमेंशन, अच्छा एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। अपने साथियों को भी इसको बताएं, वो भी देखें। तो सबसे पहले अपने वापस थोड़ा सा रिवाइज देता हूँ आपको, क्या देखने का होता है अपने को। जैसे ये आपका आइसोमेट्रिक था जिसको बोलते हैं अपन 3D, ये आपका जो ऑर्थोग्राफिक है उसको बोलते हैं अपन 2D। तो ये चीज बन जाती है, बन जाने के बाद में आप इसके सारे, ये अपन ने किसका बनाया, फर्स्ट एंगल बनाया। तो फर्स्ट एंगल का जो आपने सिंबल यहाँ बना रखा है वो सिंबल आप यहाँ जरूर बना। ये सिंबल आपका फर्स्ट एंगल जो सिंबल होता है ना, कैसे ये जैसे जिधर से देखते हैं उसके विपरीत दिखता है, जो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है आपने लेफ्ट साइड में छोटे मुंह करते हुए रख दिया, और जब आप लेफ्ट साइड से देखेंगे छोटा वाला सर्किल भी दिखेगा और बड़ा वाला भी दिखेगा पढ़ते पढ़ते। तो आपने देखेंगे लेफ्ट से और बनाएंगे राइट में, क्योंकि फर्स्ट एंगल में सारा काम उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब है कि ऊपर से देखते हैं नीचे बनता है, साइड में लेफ्ट से देखते हैं और राइट में बनता है। ये आपको बनाने का होता है। इसमें आपको सबसे समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अपने क्या क्या किया वो मैं रिवाइज करता हूँ। पिक्टोरियल ड्राइंग को अपने देखा, उसका साइज निकाला, साइज निकाल के लिखा रखा। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसके अपन मार्किंग करते हैं कि प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू कहाँ बनेगा। तो वो शीट के ऊपर लेआउट करते हैं। लेआउट करने के बाद में अपन जो है आपके रेफरेंस लाइन डाल करके प्लान, प्लान एलिवेशन और साइड व्यू की आपने उसके अंदर जो है जो आयत है जिस साइड व्यू बनने हैं वो अपन वहाँ के बना लेते हैं। उसके बाद आपके अंदर जो है उसके जो सर्किल वाले जो पार्ट बनने होते हैं उनकी सेंटर लाइन नहीं डाल देते, और उसके अंदर जो जो आपकी ड्राइंग दिखती है जैसे जैसे दिखती है उसको अपन बना देते हैं। बनाने के बाद आप उसके अंदर डायमेंशन देंगे, डायमेंशन देने के बाद में आप उसका नाम लिख देंगे कि क्या चीज आपने बनाया। थैंक्स, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आपने शांति से देखा, अच्छा देखा, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, एक चीज और बताऊँ आपको, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को जो है वीडियो में जो दे रहा हूँ, मैं आईटीआई एकेडमी का चैनल बना हुआ है उस पर आपको मैसेज डाल दें, या व्हाट्सएप नंबर में ग्रुप पे जुड़े हैं उस पर आप मैसेज डालें, तो मैं आपको उस पर समझाया करूँगा, ठीक है ना। जो मेरे को मैसेज आप डालेंगे उसके हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। धन्यवाद, थैंक्स।